है दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हम ठीक हैं। और मैं अभी राजेश जी की शॉप पे आया हूँ, तो इन्होंने कुछ मोबाइल के विषय में कुछ बेहतरीन चीज़ें मुझे बताई। आपको, मुझे, हम सभी को हमेशा से कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है मोबाइल के अंदर। सपोज़ करिए मोबाइल चालू होते हो चल रहा है और ऑटोमेटिक हैंग हो गया है, रुक गया है, कुछ इस तरीके की उसके अंदर समस्या आती है, तो उन समस्याओं से कैसे निजात पाई, उस समय उस मोबाइल के साथ कुछ क्या ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मोबाइल स्वतः ही चालू हो जाए और सारी की सारी समस्याएँ खत्म हो जाए, तो उसके विषय में राजेश जी हमें कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जो मोबाइल को वापस से पूरा रिसेट कर देगी और बेहतरीन तरीके से आपको मोबाइल वर्क करने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर आपका डेटा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो राजेश जी के साथ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या बताने वाले हैं। तो ये रहे राजेश जी। तो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आम इंसान के मोबाइल में ये समस्या आती है कि उसका मोबाइल कंप्लीट वर्क कर रहा है और चलते चलते रुक जाता है, कुछ भी उसका इम्पोर्टेंट काम आता है और मोबाइल अचानक से हैंग हो जाता है। तो आप किसी भी नजदीकी मोबाइल शॉप पे जाओगे, वहां रिपेयर करवाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी समस्याएं आपको उसमें आती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि आप घर बैठे 2 से 3 मिनट के अंदर अपना मोबाइल खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, खुद ही उसको सही कर सकते हैं। उसमें डेटा वगैरह का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका डेटा का लॉस हुए। सुना आपने, डेटा बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा, आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे ये क्या मोबाइल के साथ छेड़खानी करते हैं और किस तरीके से हमें बताते। तो पूरा, तो दोस्तों राजेश जी मोबाइल चालू कर लिया है और अब हमें कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। अपने सर, अपने मोबाइल का ये जो होता है टच, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। कुछ भी करते हैं इसमें कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। तो सिंपली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना डिस्प्ले को खुलवाना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर क्या करेंगे सर? सर इसमें जो आपको ये तीनों की दिख रही है, पावर की, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, इन तीनों को एक साथ आपको प्रेस करना है। तीनों को एक साथ ही प्रेस करना है आपको, जब तक कि मोबाइल आपका रिस्टार्ट नहीं हो जाए। ठीक है, तो देखिए आप आगे। वो मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है अपना, कुछ ही सेकंड में अपना मोबाइल ऑन हो जाएगा। अब इसका प्रॉपरली टच कुछ वर्क करता है या नहीं करता है ये अपन आगे देखते हैं। मोबाइल ऑन हो रहा है अपना, मोबाइल ऑन हो चुका है। अब देखते हैं अपन इसमें ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये दोस्तों अपना मोबाइल पूरा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। कैमरे चेक करते हैं इसके, अपन कैमरे भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और अब पूरा टच भी चेक करके देखते हैं अपन इसमें। ये अपना पूरा टच भी वर्क कर रहा है। ऐसा करने से होता क्या है एक्चुअली मोबाइल के अंदर? डेटा का लॉस हुए सर। कई बार कुछ खराब फाइलें अपने फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाती है, उसके कारण अपना मोबाइल वर्क करना, मतलब बग आ जाते हैं उसके अंदर। कहने का मतलब बग आ जाते होंगे, तो बगों के बग के कारण मोबाइल वर्क करना बंद कर देता है। तो इससे क्या रिसेट होता है या क्या होता है? इससे क्या है, अपन तीनों अपने इस वाले बटन से उसको बंद करने की कोशिश करते हैं पावर की से, तो वो बंद नहीं हो पाता है। तो इसमें इन दोनों वॉल्यूम डाउन प्लस दोनों की कमांड इनके साथ दे रखी है कंपनी ने, इन तीनों को अपन प्रेस करके रखते हैं मुश्किल से 30 सेकंड तक, तो अपना मोबाइल ऑटोमेटिकली रिसेट होगा। और जब मोबाइल ऑन होगा तो जो खराब फाइलें इसमें इंस्टॉल हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी और फिर से अपना मोबाइल वर्क करने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने खराब मोबाइल को वापस से रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।